आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों के साथ वादा किया गया है कि हर दिन एक क्वेश्चन के साथ आया जाएगा, तो आज थर्ड क्वेश्चन आपका है। और क्वेश्चन आंसर करने के पहले आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका खुद आंसर लिखिए और फिर मैच कराइए कि जितना हमने पॉइंट्स आपको बताया है उसमें कितने पॉइंट्स आपके पास हैं, और उस हिसाब से आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप लोग इस क्वेश्चन को पहले लिखिएगा फिर वीडियो देखिएगा। चलिए इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्राख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। डिस्कस द लीगेलिटी ऑफ री प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। अब देखिए सवाल में दो पॉइंट्स हैं, एसेंशियल कंडीशंस बताइए जिसमें राज्यपाल, वो आवश्यक शर्तें बताइए जिसमें राज्यपाल अपने विधायिका शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा इसमें ये बोला गया है कि अगर राज्यपाल अध्यादेश को पुनः आपके पारित करता है तो उसकी वैधता की जांच करिए, वैधता के बारे में आपको विवेचना करना है। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश अगर पुनः प्राख्यापित किया जाता है राज्यपाल द्वारा तो क्या वैध है कि नहीं। तो दो आपके क्वेश्चन हैं और यूपीएससी 2022 का ये सवाल आप है, तो इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझना है कि इसमें कहीं पे भी आपसे राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं पूछी जा रही है। कई सारे बच्चे क्या करेंगे कि विधायी शक्ति देखा तो उठा के सारा विधायी शक्ति लिख दिए। राज्यपाल की बहुत सारी विधायी शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी, देयर आर एन नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं कि आपके पावर्स दिए गए हैं जो आपके गवर्नर को यहाँ पे मिलते हैं। और वो लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन से हैं, जनरली आप देखिएगा कि लेजिस्लेटिव पावर्स बड़े सारे हैं। जैसे वो क्या करता है, सेशन को बुलाता है, सेशन आपके बुलाएगा, सेशन को क्या करेगा, एक तरह से वो प्रोरोगेट करेगा और साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करेगा। वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमएलए को डिसक्वालीफाई करता है, एमएलसी को डिसक्वालीफाई करता है। तो एमएलए और एमएलसी को वो डिसक्वालीफाई करता है, ये भी उसकी पावर्स हैं। फिर अगर आप बात करिएगा तो मनी बिल उसके प्रायर रिकमेंडेशन से ही रखा जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल के रिलेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सब नहीं पूछा जा रहा है। मैक्सिमम आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कंडीशंस बताइए जिन कंडीशंस में अपने लेजिस्लेटिव पावर्स का यूज करेगा। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों का प्रयोग की आवश्यक शर्तें बताइए, तो शर्तें आपको बतानी है किन शर्तों पे वे अपने विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ये पॉइंट आपको देखना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, शर्तें क्या क्या है, क्या क्या आपके शर्तें यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंडीशंस अगर आप बात करिएगा तो व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशंस में अगर आप पॉइंट देखिएगा तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है, ही विल यूज हिज लेजिस्लेटिव पावर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो अपने विधायी शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। लेकिन इसमें फिर एक बात आपको स्पष्ट रूप से जानना है कि अगर उनके पास कोई बिल भेजा जा रहा है, क्योंकि बिल जो आपका है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर, तो इस पे असेंट करने की जो पावर है गवर्नर की, उसमें वो चार मेजर डिसीजंस लेते हैं। आइदर ही असेंट्स द बिल, आइदर ही रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आइदर ही यूजेज हिज वीटो पावर, वीटो पावर में वो पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं, आइदर ही कैन यूज, इसको आप सस्पेंसिव वीटो कहिएगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेंगे, जेबी वीटो का प्रयोग करेंगे,
या आत्यांतिक वीटो का उपयोग करेंगे, एब्सोल्यूट पावर या पॉकेट वीटो या सस्पेंसिव वीटो का उपयोग करेंगे, आइदर ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ वह विधेयक को सुरक्षित रख लेंगे। और ये जो राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखते हैं, इसमें जो निर्णय लेगा राष्ट्रपति वो आर्टिकल 201 में आपका लेगा, ही विल टेक दिस डिसीजन अंडर आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट जो कंडीशन आपका है वो ये कंडीशन है कि ही विल टेक डिसीजंस, ही विल यूज हिज लेजिस्लेटिव पावर, लार्जली वो अपने लेजिस्लेटिव पावर का उपयोग, जैसे सेशन को बुलाना, सेशन को एंड करना, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करना, या अगर आप बात करिएगा कि एक तरह से आपके किसी बिल पे कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसे जो मेजर डिसीजंस हैं वो किसके सलाह पे वो लेते हैं, वो जो लेजिस्लेटिव पावर के डिसीजंस हैं वो चीफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, किसको नॉमिनेट करना है, वो इनके सलाह पे लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य नहीं करते हैं। और गवर्नर और प्रेसिडेंट में अंतर है, गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, व्हेरएज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट पॉसेस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। दूसरा, वह अपने लेजिस्लेटिव शक्ति का उपयोग कब करते हैं, यूजेज हिज लेजिस्लेटिव पावर अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द यू कैन से रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के सलाह पर वो अपने विधायी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और वो कब करते हैं, आर्टिकल 191(1) के अंदर वो किसी एमएलए एमएलसी को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। फोर ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, 4+1, और पांचवा जो ग्राउंड है वो पार्लियामेंट बाय लॉ बनाएगा। उसमें आपके पार्लियामेंट ने 8 कंडीशंस बताए हैं जिसमें किसी एमएलए को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, एमएलसी को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। 4 ग्राउंड क्या है, अगर कोई सांसद, किसी एमएलए का दिमाग खराब हो जाए, अगर कोई एमएलए दिवालिया घोषित हो जाए या भारत की नागरिकता का त्याग कर दे, या आप एक तरह से कहिएगा कि सिटीजनशिप उसका लॉस हो जाए, तो ये आपके कंडीशंस, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, तो ये कंडीशंस हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट बाय लॉ विल प्रोवाइड, एंड पार्लियामेंट बाय लॉ ने 8 कंडीशंस बताए हैं, और वो कंडीशंस में से 1-2 कंडीशंस आपके बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर चुनाव के दौरान खर्चे हुए हैं, एक्सपेंडिचर आप नहीं बता पा रहे हैं समय के अंदर, निश्चित समय के अंदर, अगर आप सती डाउरी या दो कम्युनिटीज समुदायों के बीच में वैमनस्य बढ़ा रहे हैं उसमें आपका कन्विक्शन हो गया है, या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका 2 साल से ऊपर का सजा हो गया, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। तो ये सेकंड कंडीशन है जो आप देख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ स्टेट विल यूज हिज लेजिस्लेटिव पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के सलाह पर राज्यपाल अपने विधायी शक्ति का प्रयोग करेगा। तीसरा कंडीशन आपका क्या है, थर्ड कंडीशन अगर आप देखिएगा, तो राज्यपाल के पास अगर आप बात करिएगा तो कुछ डायरेक्शंस में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी सलाह लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी सलाह लेगा वो। और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से किस मामलों में सलाह लेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस मामलों में वो किसी बिल को रिजर्व करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली बोला गया है, आर्टिकल 201 में ये बोला गया है, 200 में, कि गवर्नर हैज टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य है। और वो अनिवार्यता किसमें है, अगर कोई बिल किसके रिलेशन में है, हाई कोर्ट की पावर को डिक्लाइन कर रहा है, या हाई कोर्ट की पावर से रिलेटेड अगर कोई बिल है, तो हर हाल में क्या करेगा, हर हाल में गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजेगा ही भेजेगा, नहीं तो वो कोई निर्णय लेगा तो गलत सिद्ध हो जाएगा, कोई नहीं सकता, स्टेट असेंबली इस पे लॉ बना ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंडेटेड प्रोविजन है वो क्या है, गवर्नर विल रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द बिल इज रिलेटेड विद द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के शक्तियों के संबंध में अगर कोई विधेयक होगा तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखेगा ही रखेगा। कुछ और कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें वो विचारार्थ रख सकता है,
जैसे ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, अत्यंत राष्ट्र महत्व की बात अगर है तो उस विधेयक को भी राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखेगा। दूसरा बात आप क्या देख सकते हैं, दूसरा बात आप इसमें देख सकते हैं, अगर नीति निर्देशन सिद्धांतों के विरोध में है। तीसरा पॉइंट आप क्या देख सकते हैं, अगर अल्ट्रा वायर्स है, संविधान की शक्तियों के बाहर है, अगर राज्य विधायिका के पास वो शक्ति नहीं है, कोई ऐसा बिल बना रहा है जो आपके यूनियन लिस्ट के रिलेशन में है, तो भी वो उस पे कार्य नहीं कर सकता है। इस ऐसे बिल को भी क्या करेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख देगा। ये बात आप देख सकते हैं कि किन किन कंडीशंस में राष्ट्रीय महत्व का है, नीति निरसन सिद्धांत के विरोध में है, संविधान के आपके उत्तर है, संविधानेतर जिसको बोला जाता है कि संविधान की शक्तियों के बाहर आपको शक्ति दे दी गई है, क्या अगर आप ये देखिएगा कि अगर देश के हित में विरोध में है, अगर देश के हित के विरोध में है, अगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री देश के हित के विरोध में है, तो ये बात आप क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि राज्यपाल जो अपने विधायी शक्तियों का उपयोग करता है, ये तीन कंडीशंस आप देख रहे हैं। पहला तो क्या है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। इसमें भी बात आप देख सकते हैं कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करना होता है तो नॉर्मली वो किससे सलाह लेता है, वो सलाह लेता है आपके चीफ मिनिस्टर से। लेकिन वो कंडीशन कब है, जब 5 साल का समय सीमा पूरा हो गया है, फ्रेश इलेक्शंस होने हैं और मुख्यमंत्री कह रहा है क्रिएट कर गवर्नमेंट बना दिया जाए और फिर इलेक्शंस आपके किया जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जहां पे मिडवे अगर मुख्यमंत्री अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पास किया गया, वो हार गया और फिर वो सलाह दे रहा है राज्यपाल को कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर दीजिए, तो गवर्नर इज नॉट बाउंड टू डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हियर गवर्नर कैन रिफ्यूज टू टेक एडवाइस ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एक लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आप देखिएगा, समनिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोरोगिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिजॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां पे रिफ्यूज कर सकता है कि हम आपके सलाह पे काम नहीं करेंगे। तो जनरली लेकिन आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहला जो क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में 2 सब पार्ट हैं, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों की विवेचना करिए, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर, देयर आर 3 essential conditions, वन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वन ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड वन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के अनुसार वो विधायी शक्ति का प्रयोग करेगा, जिसमें वो पहला बात आपका अनिवार्य संविधान में दिया गया है, अगर कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों के विरोध में है तो उस बिल को जरूर रोकेगा वो, और बाकी 4 बातें और हैं, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, डीपीएसपी के अगेंस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के बारे में है, तो ऐसे कुछ मामलों में वो राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेज सकता है आर्टिकल 200 में। तो ये पॉइंट आपको जानना। अब देखिए दूसरा सवाल आपका और अच्छा है, ये कठिन सवाल है, देखने में आसान भले लगे लेकिन ये कठिन सवाल आपका है, डिस्कस द लीगेलिटी ऑफ रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। अब ये पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल अगर किसी विधेयक की वैधता की जांच करिए, किसी अध्यादेश की वैधता की जांच करिए, अगर उसको पुनः प्रख्यापित कर दिया गया है, अगेन रीप्रोमुलगेट कर दिया गया है, तो आपको ये बात जानना है कि जो गवर्नर आपका ऑर्डिनेंस इशू करता है, राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो आर्टिकल 213 में करता है, और जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो किस मैटर्स पे कर सकता है, वो कर सकता है उन मैटर्स पे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाने की कैपेसिटी रखता है, और वो मैटर्स क्या है, मैटर्स अगर आप बात करिएगा तो वो कर सकता है स्टेट लिस्ट पे और कॉन्टिनेंट लिस्ट पे। कब कर सकता है, When state legislative assembly and state legislative council are not in session, एक नहीं सत्र में है, दूसरा सत्र में है, तब भी कर सकता है।
दोनों सत्र में नहीं है तब भी कर सकता है। तो ये कब कर सकता है? When both houses are not in session, जब दोनों सदन सत्र में नहीं चल रहे हैं या एक सदन सत्र में नहीं चल रहा। क्यों करेगा? Why he will do when the governor of a state is satisfied, जब राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो गया है कि एक आवश्यक समय आ गया है, एक आपातकालीन समय आ गया है कि अध्यादेश राज्य के हित में जारी करना आवश्यक है। When the governor of state is satisfied, जब किसी राज्य का राज्यपाल संतुष्ट हो जाए कि अब समय आ गया है अध्यादेश जारी करने के लिए, तो अध्यादेश जारी कर देगा। अब इसके बाद आपको जानना है कि इसके अध्यादेश का तरीका क्या है। अध्यादेश जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकन्वीन होंगे, तो जो इसका नेक्स्ट डेट, जो सेकेंड हाउस जिस दिन से रिकन्वीन होगा, जैसे मान लीजिए आज 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिला और 13 अगस्त को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मिला, तो हम 13 अगस्त से 42 डेज को वॉच करेंगे और इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, इस ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर सकता है, इस ऑर्डिनेंस पे कोई एक्शन नहीं लेगा, या तो पारित करेगा या तो खारिज करेगा या तो कोई निर्णय नहीं लेगा। उस कंडीशन में वो ऑर्डिनेंस अपने आप ही खत्म हो जाएगा 42 डेज के बाद। अगर पास कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, अगर रिजेक्ट कर देगा तो खत्म हो जाएगा, अगर कोई निर्णय नहीं लेता 42 दिनों के बाद तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे जो पूछा जा रहा है रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस के रिलेशन में, कि बार बार पुनः उसको प्रख्यापित किया जाएगा, उसकी वैधता बताइए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के तीन आपके जजमेंट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड हैं। एक जो जजमेंट आप देखिएगा वो जजमेंट किससे रिलेटेड है, आरसी कूपर केस से। ये मामला है आरसी कूपर केस और ये है 1970 का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेसिडेंट्स सेटिस्फेक्शन, राष्ट्रपति की संतुष्टि, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन टू इशू एन ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति की संतुष्टि अध्यादेश जारी करने के लिए मालाफाइड इंटेंशंस पे चुनौती दी जा सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति मालाफाइड इंटेंशन, गलत मनसे से अगर जारी किया गया है तो उसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। अब इस बात को ओवररूल किया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इस बात को क्लियर कट यहां पे बोला गया है, लेकिन इसको ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट ने 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया, हालांकि बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, जो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में रॉन्ग किया गया था, गलत किया गया था, उसको ठीक कर दिया। 38 में कहा गया था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसको ठीक कर दिया गया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सेकेंड जो मेजर केस आया है वो डीसी वाधवा का मामला है, डीसी वाधवा केस 1987, जिसमें बिहार सरकार ने क्या किया था, जिसमें बिहार की गवर्नमेंट ने 1 से 14 साल तक लगातार अध्यादेशों को बार बार पास किया था और ये बार बार पास करके क्या किया था, इसको रीप्रोमुलगेट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट चेंजिंग द टेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है, रीप्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस विदाउट चेंजिंग द टेक्स्ट, विदाउट चेंजिंग द टेक्स्ट, ना तो टेक्स्ट बदलना है, ना तो इसका मनसा बदलना है, ना तो विजडम बदलना है, और दूसरा बात क्या है, यू आर नॉट ट्राइंग टू पास विद द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका से आप इसको पारित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू बी लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन, ऐसे अध्यादेश को हम शून्य और अमान्य घोषित कर देंगे, क्योंकि ये हमारे संसदीय परंपरा के विरोध में है। अध्यादेश से देश नहीं चलेगा, अध्यादेश एक आपातकालीन व्यवस्था है। अब बार बार अध्यादेश जारी कर रहे हैं और अध्यादेश से ही राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा।
दूसरा एक मेजर मामला फिर बिहार सरकार से था, कृष्ण कांत वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, एक मामला फिर आपका सामने आया और इस मामले में कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार वाला ये केस था और ये मामला फिर आपके 1980 में सामने आया, सॉरी 19 ये मामला आपका 2017 में सामने आया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, 6-1 सात जज बेंच था, 6-1 ने जजमेंट दिया कि ऑर्डिनेंस को अगर आप रीप्रोमुलगेट कर रहे हैं बार बार तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट इज नोन एज कलरेबल लेजिस्लेशन, इसी को हम कहते हैं आभासी विधायन, इसी को कहा जाता है इट इज बेस्ड ऑन लार्जर डॉक्ट्राइन नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रॉड, ये कहा जाता है कि एक बड़ा सा सिद्धांत इसके जिससे ये लिखना हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, वो सिद्धांत क्या है आप कहिएगा कि विधायी छल का सिद्धांत, विधायी कपट का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रॉड है, अगर आप बार बार ऑर्डिनेंस का यूज कर रहे हैं और बार बार ऑर्डिनेंस के थ्रू राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑर्डिनेंस इज सर्टेनली नॉट टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, रीप्रोमुलगेशन नहीं होना चाहिए। कब रीप्रोमुलगेशन हो सकता है उसका कंडीशन क्या है, किसी रीजन कोई ऐसा कारण हुआ जिसके वजह से स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में उस ऑर्डिनेंस पे बहस नहीं हो पाया, समय निकल गया या कोई आपातकालीन अवस्था आ गई, जैसे कोविड के दौरान अब आप कहिए कि हम बहस करेंगे संभव ही नहीं था, पार्लियामेंट कन्वीन करने की कोशिश किया उसमें एक सांसद आए वो सारे सांसदों को निकल के चले गए, फिर आपका क्वेश्चन आवर भी कोविड के दौरान बंद कर दिया गया और किसी भी तरह का कोई बहस ही नहीं चल रहा था, अध्यादेश अध्यादेश कोई समस्या नहीं है, तो अध्यादेश कब उपयोग में रीप्रोमुलगेट किया जा सकता है, जब राज्य विधायिका या संसद में किसी कारणवश बहस नहीं हो पाया। दूसरा कब आप अध्यादेश का उपयोग कर सकते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपात अगर कोई स्थिति आ गई है तो अध्यादेश का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा अध्यादेश का अगर आप पुनः बार बार उसका प्रख्यापन करिएगा रीप्रोमुलगेशन करिएगा दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन सेड बाई डीसी वाधवा केस, कृष्ण कुमार सिंह के केस में ये क्लियर कट कहा गया। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डिस्कस द लीगेलिटी ऑफ रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर, आप विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना करिए, आपको सीधे सीधे लिखना है रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस एज आपके एडजस्ट बाय द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीसी वाधवा केस एंड कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2017 केस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट इज वायलेटिंग द रोल विच अ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कैन प्ले, वॉट इज द रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, टू मेक द पीपल नो वॉट आर द गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स इन द ऑर्डिनेंस और एक्ट, पॉपुलराइज द एक्ट, उस अधिनियम को आपके लोगों को तक पहुंचाए, वहां पे डिबेट एंड डिस्कशन होगा, शॉर्ट कमिंग्स आपके बिल की पता चल जाएगी और पार्लियामेंट इज अ फोरम वेयर अपोजिशन टेक्स अपोजिशन प्लेज अ मेजर रोल, तो जब आप अध्यादेश का उपयोग करते हैं तो विपक्ष का कोई भागीदारी नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इस अध्यादेश में क्या है, अच्छाइयां ही सारी दिखाई जाती हैं, खराबी सारी छुपा लिए जाते हैं, इसलिए आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेशन पे नहीं ले आना चाहिए, लीगेलिटी तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बार नहीं करता है, आप फिर इस बात को लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बार अध्यादेश को ले आने के लिए रीप्रोमुलगेट करने के लिए, हमारा संविधान नहीं रोकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डीसी वाधवा केस और कृष्ण कुमार सिंह वाले मामले में स्पष्ट है कि अध्यादेश आपको करना है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि ऑर्डिनेंस इज अननेसेसरी इविल, अध्यादेश एक आवश्यक बुराई है, क्यों बुराई है, क्योंकि आपातकालीन समय में हम इसका उपयोग, ऑर्डिनेंस नेसेसरी है क्योंकि आपातकालीन हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कभी समय आया जहां पे महामारी फैली है या तो भी अध्यादेश कुछ समय के लिए उपयोग हो सकता है, बुराई क्यों है, विपक्ष की इसमें भागीदारी नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि क्या है इसमें,
ऑर्डिनेंस बना रहा है तो इट मींस एग्जीक्यूटिव इज प्लेइंग द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका ही विधायिका का काम करना शुरू कर दिया, तो ये शक्तियों के पृथ्वीकरण के भी विरोध में हो जाता है। इसलिए अध्यादेश वैधता के साथ साथ नैतिकता के मानदंड पे भी खड़ा नहीं उतरता, इथिकल भी नहीं है, क्योंकि जो फोरम हमारे देश में लॉ बनाने वाली है वो पार्लियामेंट है। आप राष्ट्रपति को अधिनियम बनाने की शक्ति दे दे रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए चलेगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में चलेगा, इट कैन नॉट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस, गवर्नर या राष्ट्रपति इसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते। तो ये रहेगा आपका आंसर, आपको क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की आवश्यक शर्तें, पहली बातें राज्यपाल जो अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, मुख्यमंत्री उनके मंत्रिपरिषद के सलाह पे, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अंदर और चुनाव आयोग के सलाह पे, ये तीन पॉइंट आपको देना है। दूसरी बात अध्यादेश के बारे में जब आप बताइएगा तो रीप्रोमुलगेशन में बताइएगा, पहली बात तो अध्यादेश बता दीजिएगा क्या है। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर यहाँ पूछा गया अंडर आर्टिकल 213, और उसके कुछ प्रोविजंस बता दीजिएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बता दीजिएगा, पर कंक्लूजन दे दीजिएगा कि ऑर्डिनेंस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही केवल उपयोग में ले आना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन, कोविड टाइप कोई आपके एपिडेमिक आ जाए तो हम ऑर्डिनेंस का उपयोग कर सकते हैं, बार बार इसका उपयोग करना इट विल वायलेट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।